अक्सर लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि रादर देन और इंस्टीड ऑफ में क्या फर्क है, क्योंकि इन दोनों का मतलब होता है के बजाय, लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं कि कब हमको कहना है रादर देन और कब हमें कहना है इंस्टीड ऑफ। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। रादर देन और इंस्टीड ऑफ दोनों का मतलब होता है के बजाय, लेकिन इन दोनों वर्ड्स में दो फर्क है। पहला, वर्ड रादर देन का यूज हम तब करते हैं जब हम बात पसंद की करें, यानी प्रेफरेंस की करें। वही हम इंस्टीड ऑफ का यूज तब करते हैं जब हमें सिंपली ये कहना हो कि इसके बजाय वो, यानी कहने का मतलब है कि रादर देन में पसंद वाली बात होती है, लेकिन इंस्टीड ऑफ में पसंद वाली बात नहीं होती, यानी प्रेफरेंस नहीं होती। और दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फर्क ये होता है कि रादर देन के बाद आने वाला वर्ब उसी फॉर्म में होनी चाहिए जिस फॉर्म में रादर देन के पहले वर्ब आया हुआ है। यानी अगर रादर देन के पहले आईएनजी फॉर्म है तो rather than के बाद भी ing form होनी चाहिए। इस बात को याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप rather than के बाद आने वाला verb उसी form में लिखें जिस form में rather than के पहले आया हुआ verb है। लेकिन अगर हम बात instead of की करें तो instead of के साथ ऐसा नहीं है, यानी instead of के पहले आया verb जिस form में है जरूरी नहीं कि instead of के बाद आने वाला verb उसी form में हो। लगता है आप समझे नहीं, आइए इन सभी बातों को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर मुझे कहना हो कि मैं टीवी देखने के बजाय सोना पसंद करता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्रीफर स्लीपिंग रादर देन वॉचिंग टीवी, यानी मैं टीवी देखने के बजाय सोना पसंद करता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि यहाँ रादर देन के बाद आने वाला वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, क्योंकि रादर देन के पहले आने वाला वर्ब भी आईएनजी फॉर्म में है। तो ये बात काफी मायने रखती है कि अगर आप rather than का इस्तेमाल करेंगे तो rather than के बाद आने वाला verb उसी form में हो जैसा rather than के पहले आया हुआ verb है, यानी दोनों का form एक ही होना चाहिए। आइए एक example instead of पर देखें। अगर आपको कहना हो कि टीवी देखने के बजाय मैं सो गया, तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I slept instead of watching TV, यानी टीवी देखने के बजाय मैं सो गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इंस्टीड ऑफ के बाद आने वाला वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, लेकिन इंस्टीड ऑफ के पहले आया वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं है। यानी यहाँ रादर देन के जैसे ये बात जरूरी नहीं कि इंस्टीड ऑफ के बाद आने वाला वर्ब उसी फॉर्म में हो जैसा रादर देन के पहले आया हुआ वर्ब है, ऐसा करना जरूरी नहीं है। मैं बेकार बैठने के बजाय काम करना पसंद करता हूँ, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्रीफर वर्किंग रादर देन सिटिंग आइडल, यानी मैं बेकार बैठने के बजाय काम करना पसंद करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ आपने देखा कि rather than के बाद मैंने बोला ing form, क्योंकि rather than के पहले आया है ing form। लेकिन अगर मुझे कहना हो बेकार बैठने के बजाय मैं काम करता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I work instead of sitting idle, यानी बेकार बैठने के बजाय मैं काम करता हूँ। यहाँ आपने देखा instead of के बाद मैंने बोला ing form, लेकिन instead of के पहले मैंने ing form नहीं बोला, क्योंकि instead of के बाद अगर ing form आया है तो जरूरी नहीं कि instead of के पहले भी ing form आए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को अच्छा से समझा कि rather than और instead of में क्या फर्क है, कैसे बोलना है rather than और कैसे बोलना है instead of। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ऐसे सैकड़ों लेसन जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।